ने जो पूरी बात की है, मैं जरा वापस इस पे भी आऊंगा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पूरी शिकस्त का जो मलबा है वो एक अकेले आजम खान के ऊपर डाला हुआ है। इज आजम खान द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ डिफीट्स? अली देखें यार, मैं बाबर आजम से वहीं से बात करूंगा जो बाबर आजम ने बताई है। वो फिर वो ये होता है कि यार इफ्फी भाई अपने पास से भी मसाला ऐड करते हैं घंटा। मैं मसाला क्यों ऐड करूंगा भाई, जैसा तुम खेलोगे वैसा मैं बता दूंगा। टेक्निकली तुम प्रूवन हो गए, तुम्हारे पास इंटेंट ही नहीं है जो इस फॉर्मेट की है। वो बाबर आजम भले 50 लाख रन बना दे भैया, तुम्हारी इंटेंट ही 105 पावर प्ले में और बहुत ज्यादा खेल गए, अगर सेंचुरी वेंचुरी मार दी तो 118-119 बस, ये तुम्हारे स्टैट्स बता रहे हैं, बाकी तुम रन तुम्हें मैटर नहीं। बाबर ये कह रहे हैं कि यार पहले 2 लोग होते थे, अब 5 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं और मैं मिला के साथ, यानी कि कोचेस, कप्तान, मैनेजमेंट के लोग, यही लोग होंगे ना जो टीम फाइनल करेंगे। तो अकेला जिम्मेदार आजम खान को बनाने का मतलब आप समझे नहीं। एक ही सवाल होता है जिसमें आजम खान का नाम आता है बाबर की प्रेजेंटेशन के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो बाकायदा एजेंडा है, ये तो धोखा देने वाला सीन है कि हम तो सही हैं, ये देख लो हम फिर आ गए, हम आए तो हमने 59 बनाया, ये यहां से आ रहे हैं हम लोग। भैया अगर चलो आजम पिछले 12 इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाया, 100 रन नहीं बना पाया, ठीक है 12-8-9 का उसका एवरेज है स्ट्राइक रेट, फिर भी उसके बावजूद बाबर आजम से ज्यादा है, 138 का उसका स्ट्राइक रेट है इसके बावजूद भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप उसको तो लेकर ही 10-12 बॉलों के लिए लेके गए, कहां पर कहा जा रहा है कि आजम ने मैच जिताना है? आजम ने मैच थोड़ी जिताना है। हाँ। आजम तो आपने उसको रखा ही 6-7 नंबर पे, जिसका मतलब है 10-12 बॉलें शायद आपसे भी नीचे, ठीक है। हाँ। ये तो आपकी बदकिस्मत ये है कि आप क्वालिटी बॉलर के अगर कंसिस्टेंट ही नहीं है। रिजवान वो बॉल सिंगल लेना चाह रहे थे क्योंकि बाबर बोल के गए थे कि तू खड़ा रही, तू अपने 50 करी, ठीक है, वो सिंगल ले रहे थे, सीधा सीधा बॉल विकेटों में खा लिया उन्होंने, अबे छक्के वाले बॉल पे तू बोल्डर है, तो इनकी सेटिंग है आप समझे नहीं। ये कभी नहीं आने देंगे भाई, तौसीफ भाई की बीच में से बात ले रहा हूं मैं, तौसीफ भाई ने कहा था ना कि यार ये उस्मान तो है ही ऊपर का, और ये तो यार ये तो दुनिया जानती है अली, 4 साल से नजर आ रहा है आपको, आप भले अपनी PSL उठा लें वहां पर नाकाम है, यहां पे ले आए यहां पे नाकाम है, तो यार अगर किसी खिलाड़ी की बाहर बैठकर बात की जाती है कि इसको ले जाओ, तू कैसा ना अहल कप्तान है और तेरे में ये काबिलियत नहीं है कि तू आज तक यही नहीं रीड कर पाया कि इस 120 बॉलों में मुझे बॉलर कौन से चाहिए, मुझे मिडिल ऑर्डर कौन सा चाहिए, मेरा टॉप ऑर्डर क्या होगा। मुझे एक बात बताएं यार, जब से ये आया है ओपनर का रोना था ओपनर्स का, आखिर मैच में इन्होंने हाथ पांव जोड़ जाड़ के तरले करके आ गए दोनों ऊपर, और ऊपर ही उन्होंने क्या इज्जत बचाई अपनी। अबे भैया तुम्हें बटलर ने इसलिए कहा था कि जाओ तुम ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, मारो 200। अबे कम मारोगे 200 रन तुम यार, 58 रन का स्टैंड बड़े खुश ने लानत पता है क्या दी है। मैच के बाद उसने बोला ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें 2 वार्म अप अच्छे मिल गए, 2 वार्म अप कह रहा है मिल गए अच्छे, सीरीज मार के वो लानत दे रहा है, आप समझे नहीं यार। अली बात ये है कि ये मेरे ऊपर आ रही है लानत, क्यों कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि इनके लिए रिक्वेस्ट है कि तालियां बजाओ, किस बात पे शिकस्त पे मुंह पीटे आदमी तालियां बजाए इनके ऊपर। ठीक है इफ्फी भाई अपने मखसूस अंदाज में बिल्कुल बात सही है कि इंटरनेशनल मैचेस और पाकिस्तान जैसे मजबूत टीम के सामने इंटरनेशनल मैचेस को बटलर ने कह दिया कि 2 वार्म अप मैचेस हमें अच्छे मिल गए। मजीद